हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर की बर्फ़ी। और ये सब विंटर समय चल रहा है, ठंड बहुत हो रही है, तो इस टाइम आ रही है लाल लाल खूब सारी गाजर। और मैंने ले लिया आधा कटोरी सूजी, और सूजी को मैं ऐसे ही धीमे आंच में ऐसे ही भूनूंगी इसको मैं, थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए। और ये जो बर्फ़ी है जो मैं बनाने जा रही हूँ, ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। और ये जो सूजी है वो भुन चुकी है, और अब मैंने ले लिया एक बड़ा चम्मच देसी घी। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी जो गाजर मैंने कद्दूकस कर लिए थे, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और ये जो बर्फी है ना, ये जो बनाते हैं हम लोग, ये इस बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। और ये ज़रूर एक बार आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही आराम से बहुत ही इजीली बन जाती है ये। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ, और इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। और ढकने के बाद फिर मैं दोबारा इसके ओपन करके एक बार मिक्स करके फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी एक बड़ा कप दूध डाल दिया है मैंने। इसको मैंने एक अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको फिर मैं ढक्कन लगा दूंगी, और ढककर इसको 10 से 15 मिनट पकाऊंगी। और अब मैं थोड़ा सा ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये जो चॉपर है, ये चॉपर बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही नाइस है। जैसे हाथ से अगर हम काटते हैं थोड़ा मोटा मोटा कटता है, पर ये चॉपर है इससे बहुत ही अच्छा बारीक बारीक एकदम स्मूथ कटता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बर्फ़ी वगैरह बनाने के लिए, मिठाई विठाई बनाने में डालने में बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि बहुत ही बारीक चॉप हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छे से चॉप हो रहा है ये। इसमें जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप उसको चॉप कर सकते हैं। और ये देखिए दूध में काफ़ी अच्छे से मेरी ये जो गाजर है काफ़ी गल चुकी है ये। एक बार मैं इसको अच्छे से एक बार दोबारा मिक्स कर लेती हूँ। देखो दूध मेरा काफ़ी जल चुका है ये, इसका दूध ख़त्म हो चुका है एकदम। अब ये जो मैंने सूजी भुनी हुई थी वो इसके अंदर डाल देती हूँ। सूजी डालने के बाद जो है ये काफ़ी ड्राई हो जाता है। अच्छे से इसको भी मिक्स कर देती हूँ मैं, ये देखिए थोड़ा ड्राई हो गया ये। सूजी ने जो है सारा जो है इसका दूध वगैरह जो काफ़ी है वो सोख कर लिया है। तो अब इसको थोड़ा सा मैंने मैश करने के साथ साथ अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी चीनी। चीनी मैंने ली है एक कटोरी। अब मैं इसको अच्छे से धीरे धीरे से इसको मैश कर दूंगी इसके अंदर ही, ये अपने आप चीनी के अंदर जो गल जाएगी तो ये फिर दोबारा सॉफ्ट हो जाएगी। इसकी जो फ्लेम है मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज नहीं रखनी है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटी कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से जो टेस्ट है ना इसका बहुत ही अच्छा आता है, आप कोई भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़े से डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट, और थोड़े से मैंने बचा लिया ऊपर से गार्निश करने के लिए, और थोड़े से मैंने डाल दिया। और ये डाल रही हूँ इलायची पाउडर। फ्लेम जो है अब लो कर देनी है, इसको धीमे धीमे ही पकाना है, इसको ज़्यादा तेज आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाना है, इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है। अभी डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा खोया। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप पनीर भी डालते हैं, पनीर को भी मैश करके डाल सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो आप दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये देखिए कितना मेरा थिक हो गया ये। थोड़ी देर मैंने इसको लो फ्लेम पे ढक दिया था, और ये देखिए मेरा कितना ठीक हो गया, सारा एकदम से इकट्ठे हो गया ये देखिए मेरा ये जो
गाजर का हलवा जैसे टाइप का है वो पक चुका है। और मैंने अब ये एक थाली ले ली है, थाली में मैंने देसी घी लगा लिया है। और ये अब मैं सारा इसके अंदर ढंग से इसको फैला दूंगी। एकदम इक्वल कर दूंगी इसे मैं। और ये ड्राई फ्रूट जो बचे हुए थे ये ऊपर से मैं इसके ऊपर गार्निश कर दूंगी। और इसको करीब मैं 1 घंटे के लिए इसको मैं ऐसे ही रख दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसकी कट करूंगी इसके पीसीज में। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इसको मैं थोड़ी देर सेट कर रही हूँ चम्मच से। इसको मैं सही से इसको दबा देती हूँ ड्राई फ्रूट्स को। और अब मैं इसको 1 घंटे के लिए इसको रख दूंगी। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बाहर रख देंगे। और अब मैं इसके पीसीस कट कर लूँगी। ये देखिए मेरी गाजर की जो बर्फी है कितनी अच्छे से रेडी हो गई है। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। ये जो बर्फी है खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर आप अपने घर पे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार ये। ये देखिए कितनी अच्छी बर्फी बनी है। ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बर्फी रेसिपी कैसी लगी। ओके बाय।